हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी बहू अर्चना। सुबह के 11 बज रहे हैं इस टाइम पे, ऑलमोस्ट एक घंटे में दोपहर हो जाएगी। और आई होप आप लोगों की जन्माष्टमी जो है बहुत अच्छे से गई होगी। और मेरे यहाँ जन्माष्टमी अच्छे से गई और मेरे कान्हा जी को भी मैं घर ले आई थी, तो रात में ही कुशल को जन्माष्टमी में ले आई थी। जैसे कि आप लोग को पता है कि कुशल को जो है मैंने मम्मी के यहाँ रोक रखा था, लेकिन जन्माष्टमी थी तो मुझे ये था कि बच्चे को घर पे लाना चाहिए इस टाइम पे, तो फिर इसलिए रात में ले आई थी। और आप लोग देख ही रहे हैं कि फंक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो व्लॉग जो है आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर कर रही हूँ। और आज एक न्यू व्लॉग आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। और किचन की आप लोगों को पता है कि मैं सफाई कर रही थी और क्या क्या किया है किचन में, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आगे व्लॉग में बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आएगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि आगे जो व्लॉग आएंगे इंटरेस्टिंग व्लॉग आप लोगों से मिस ना हो पाए। चलिए आगे व्लॉग में मिलते हैं। तो आप लोगों को पता है कि बर्तन जो है मेरे सारे मैंने नीचे रखे हुए थे, क्योंकि मेरे पास मैंने बताया था स्टैंड नहीं है। और मैं स्टैंड जो लेके आई थी वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये मैं सफाई के पहले का आपको दिखा रही हूँ सारी चीज़ किस तरीके से है किचन में मेरे रखी हुई है, ताकि आपको सफाई के पहले और सफाई के बाद का डिफरेंस समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए, स्टैंड जो है मैंने लगवा दिया था हस्बैंड से कह के। तो यहाँ पे अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो बहुत अच्छा है, आप ईज़िली अपने आप लगा सकते हो। लेकिन मैंने हस्बैंड से ही बोल के मंगवा गया था, मतलब किराए पे भी ड्रिल मशीन मिल जाती है, तो फिर उन्होंने लेके आए थे और वो लगा दिया था। क्योंकि मेरे को ये था ना स्टैंड वो लगा दे, फिर वो चाहे जितना भी बिज़ी रहे काम अपना देखते रहे और मैं जो है आराम से अपना काम करती रहूँगी, क्योंकि स्टैंड तो लग ही गया था। तो काफ़ी बड़ा स्टैंड था ये और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। जब मैं लेके आ रही थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था वो वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद मैं जो सारे जाले हैं वो पहले साफ़ कर ले रही हूँ दीवारों से, छत से। और सर पे मैंने यहाँ पे कपड़ा बांध रखा है ताकि जो धूल मिट्टी है वो सर में ना जाए। वैसे तो नहाना होता है ये सफाई करने के बाद, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा मिट्टी सर में ना जाए उतना अच्छा होता है। यहाँ पे सारे जो बर्तन हैं वो अब मैं इस स्टैंड में जो है वो सेट करूँगी। तो बर्तन तो धुले हुए थे, लेकिन कुछ बर्तन अगर ऐसे मुझे लगे कि जैसे उसमें मिट्टी बैठ गई है तो वो मैं साथ में उनको धो ले रही थी। और बाकी मैं सारे जो है यहाँ पर सेट करने कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अगर स्टैंड में बर्तन लग जाते हैं ना तो बर्तन जो है एक जगह जो है प्रॉपर तरीके से लगे रहते हैं, जो एक फैलावा हम कहते हैं ना वो ज़्यादा नहीं होता। और हमको ईज़िली जो चाहिए होता है, जो बर्तन चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो इसलिए मैं काफ़ी टाइम से स्टैंड लेने की सोच रही थी, लेकिन इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी तो हो नहीं पा रहा था। तो मम्मी लोगों की जब शॉपिंग करवाने गई तो मैंने सोचा कि चलो स्टैंड ले ही लेते हैं, क्योंकि बाज़ार आए ही हैं, फिर पता नहीं मैं कब बाज़ार आऊँ, तो इस वजह से मैंने ले लिया। और सारी चीज़ें जो है, कुछ बर्तन धुले हुए थे तो वो मैं सेट कर दे रही हूँ, कुछ बर्तन गंदे हैं उनको धोऊंगी फिर उसके बाद उनको सेट करूँगी। और सारे जो डिब्बे वगैरह हैं उनको भी मैं चेंज करने वाली हूँ, कुछ डिब्बे रखूँगी कुछ डिब्बे हटाऊँगी। तो मतलब सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यकीन मानिए, घर की साफ़ सफाई करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता। और अगर आप डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो और ज़्यादा आपको टाइम भी लगना है और मेहनत भी आपकी बहुत ज़्यादा जाती है। हाउसवाइफ ये सारी चीज़ें जानती हैं कि सफाई घर की करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप अकेले साफ़ सफाई और सारे घर की जिम्मेदारी उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ जो है मैं सफ़ाई कर ही रही थी, उतने में मुझे कॉल आ गई कि मुझे जो है जो मेरा हॉल है जहाँ पर मुझे फंक्शन करना है, वो अपने जो हमारे टेंट वाले हैं और जो हमारे थीम वाले हैं उनको दिखाना है वो जो हॉल पूरा है। तो मैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वहीं पे हूँ, ये पूरा जो हॉल है मैं आपको दिखा रही हूँ, एक लुक दे दिखा रही हूँ आपको यहाँ कैसा है इसका। तो ये इसी हॉल में जो है कुशल का जो पूरा फंक्शन है वो होना है,
एक ये हॉल है नीचे का और इसके ऊपर वाला हॉल भी है, और साथ में एक आगे में बहुत बड़ा जो है वो एंट्रेंस का है, बहुत ज़्यादा बड़ा हॉल है वो। तो ये इतना पूरा जो है वो पूरा हमने बुक करवाया हुआ था। और फिर उसके बाद मैं लौट रही थी तो मामा जी ने बोला कि वही छोड़ देंगे मुझे, तो मैं उन्हीं के कार में हूँ। तो मामा जी भी साथ में ही मेरे रहते हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने जो पिछली वीडियोस है मेरी उनको देखा हुआ होगा उनमें। तो मामा जी की ही कार में उन्होंने मुझे वापस घर छोड़ा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, अभी जो क्लिप्स देखी हैं आपने वो हॉल की थी, और वहाँ पे जो है अभी मैं और मामा जी गए थे, मतलब टेंट वाले जो भैया हैं उनको सब कुछ दिखाना था ना, कि वो उस हिसाब से मेजरमेंट सारा करके और फिर अपना सामान जो है वो सारा लेके आएंगे, तो वही उनको हॉल दिखाना था। तो वो फ़िलहाल अभी हम लोग दिखा चुके हैं, अब जस्ट मैं अभी घर के अंदर एंटर हुई हूँ और वो क्लिप आप लोगों ने देख ली है। बस टच वुड काम अच्छे से हो जाए, कुछ के फंक्शन का सारा अच्छे से निपट जाए बस। तो आप लोगों के साथ मैं सारी क्लिप्स जो है वो शेयर करती रहूँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, आप लोग कुछ मिस ना कर पाओ, है ना। तो इस वजह से तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, वहाँ से लौटने के बाद जो है रात हो गई थी और फिर मैं साफ़ सफ़ाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि खाना फिर जो है वो खाना बनाना और उसका टाइम था। फिर दूसरे दिन यहाँ पर मैं वीडियो जो है वहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ, तो दूसरे दिन फिर मैंने साफ़ सफ़ाई कंटिन्यू करी और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं बर्तन वगैरह सारे धो रही हूँ। और देखिए, सारी चीज़ें एक साथ ही पड़ रही थी तो फिर मैनेज करना पड़ रहा था, साफ़ सफ़ाई भी, साथ में जन्माष्टमी थी, रक्षाबंधन, ये सारी चीज़ें पड़ रही थी, और मम्मी लोगों को शॉपिंग कराना, मेरे को खुद का जो मेरा सारा भाग दौड़ था, सारी डेकोरेशन से लेके हर एक चीज़ मैंने अपने हिसाब से सारी मैनेज करी है कि किस तरीके की मुझे क्या क्या चीज़ें करवानी है, क्योंकि ग्रैंड फंक्शन कर रही हूँ तो ग्रैंड फंक्शन के लिए ज़िम्मेदारी मेरे को इतनी ज़्यादा वो हो रहा था कि बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, किसी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए। तो बस इसी वजह से भाग दौड़ मेरी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो काम करें या फिर भाग दौड़ करें, छुट्टी भी नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पर देखिए, जब साफ़ हो गया मेरा किचन तो ये प्रॉपर मैं आपको लुक दिखा रही हूँ कि किस तरीके का है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब मुझे इसमें थोड़ा सा और आगे जो है चेंजेस करने हैं किचन में, लेकिन वो किसी और वीडियो में जब मैं करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए मेरा किचन जो है मुझे काफ़ी सिमटा हुआ लग रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से। आगे आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि जो हमारी प्री शूट होनी थी, जैसे मैंने बोला फिर से कि ग्रैंड फंक्शन कर रही हूँ, तो जैसे प्री वेडिंग शूट होता है ना, वैसे ही प्री फंक्शन शूट हम लोगों का था, और उसके लिए यहाँ पर हम जा रहे हैं घर। सुबह जल्दी जाना था मम्मी के यहाँ पे, आ गए हम लोग, और आप लोगों को मैं यहाँ का पूरा लुक दिखा रही हूँ। सामने आप शीशे में मुझे भी देख सकते हैं, मैं मम्मी का वीडियो जो है बना रही थी, मम्मी को लगा फ़ोटो खींच रही हूँ तो मम्मी बैठ गई आराम से, मैंने कहा अरे मैं फ़ोटो नहीं खींच रही, मैं पूरा वीडियो बना रही हूँ। तो फिर वही चीज़ें थी, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं जो हमारे शूट जो करेंगे उनका, और फाइनली वो लोग आ गए। और मामा भी आप देख सकते हैं, मामा का जो है पूरा एक काम इसी से रिलेटेड है, तो सारी चीज़ें जो है मामा मैनेज कर रहे थे, मैंने खाली उनको बता दिया था कि मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें करवानी हैं, सारी अरेंजमेंट सारी कुछ मामा जी ने ही किया था। और यहाँ पे कैमरा इन्होंने अपना सेट कर लिया है, और पहली बार हम लोग कर रहे थे ना तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। तो यहाँ पे सारा जो है वो बता रहे थे कि आप कैसे क्या चीज़ करिए, और उसी के अकॉर्डिंग हम सब जो है वो बिहेव कर रहे थे एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो मतलब रीटेक पे रीटेक, सिर्फ मैंने ये चीज़ देखी थी कि फिल्म वगैरह में या और चीज़ों की, जैसे एल्बम वगैरह सॉन्ग वगैरह शूट होता है तो वो एक बार में परफेक्ट नहीं बैठता, उसके रीटेक होती है बार बार, और यहाँ पे लेकिन मैंने लाइव फर्स्ट टाइम ये चीज़ जो है फील करी, देखी। और ये जो लाइट है ना, इससे मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं कि सामने जो है वीडियो में लाइट अच्छे से आए, इस वजह से ये लाइट दिखा रहे थे यहाँ पे। और ये हमारा बाहर का शूट हुआ था, और वीडियो और भी हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट।